हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं सोहिनी के करैक्टर को। इसके पहले मैं अनटचेबल की स्टोरी और भाखा व पंडित कालीनाथ के करैक्टर को डिस्कस कर चुका हूं। जिस किसी ने स्टोरी व करैक्टर्स न देखे हो तो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो चलिए, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं करैक्टर स्केच ऑफ सोहिनी। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द करैक्टर ऑफ सोहिनी। हेडिंग नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। सोहिनी वॉज द ओनली डॉटर ऑफ लाखा। जो सोहिनी है वो लाखा की एकमात्र पुत्री है। एंड द डियर सिस्टर ऑफ भाखा, और भाखा की प्यारी बहन है। आफ्टर भाखा, यानी भाखा के पश्चात, सी ऑक्यूपाइज ए सिग्निफिकेंट प्लेस इन द स्टोरी ऑफ अनटचेबल। यानी भाखा के बाद अनटचेबल स्टोरी में जो सोहिनी है एक सिग्निफिकेंट प्लेस यानी महत्वपूर्ण स्थान को ऑक्यूपाइज करती है यानी धारण करती है। विद दिस रीजन, इस कारण के साथ, सी मे बी कॉल्ड प्लेइंग द रोल ऑफ द हीरोइन ऑफ द नॉवेल। उसे उपन्यास की नायिका की भूमिका निभाने वाला कहा जा सकता है। बाई द वर्चूज ऑफ हर करेक्टर, अपने करैक्टर के वर्चूस के द्वारा यानी गुणों के द्वारा, सोहिनी मेक्स अ सिंपैथेटिक इम्प्रेशन। सोहिनी एक सहानुभूतिक छाप छोड़ती है ऑन द माइंड ऑफ ऑल रीडर्स, सभी पाठकों के माइंड पर, ऑफ दिस नॉवेल, इस नॉवेल में। द मेन ट्रेट्स ऑफ हर करैक्टर, उसके करैक्टर के जो मुख्य ट्रेट्स हैं यानी जो मुख्य लक्षण हैं, आर ब्रीफली डिस्क्राइब्ड, उसका वर्णन किया गया इन द फॉलोइंग लाइन्स, निम्नलिखित पंक्तियों में। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। सोहिनी हैज एन इम्प्रेसिव पर्सनालिटी इन दिस नॉवेल। जो सोहिनी हैं वो इस नॉवेल में एक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी रखती है यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व रखती है। हर ब्रदर वॉज प्राउड ऑफ हिज सिस्टर, और उसका जो भाई है वो अपनी बहन पर प्राउड करता है, गर्व करता है। ओनली बिकॉज ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड वर्चूज ऑफ हर इम्प्रेसिव पर्सनालिटी, अपने इम्प्रेसिव पर्सनालिटी यानी प्रभावशाली व्यक्तित्व के डिस्टिंग्विश्ड वर्चूज को लेकर यानी विशिष्ट गुणों के कारण, इट मेड एन इमीडिएट इम्प्रेशन, इसने तत्काल प्रभाव डाला ऑन द माइंड ऑफ पंडित कालीनाथ, पंडित कालीनाथ के माइंड पर, हु फेल अंडर हर मैजिक स्पेल एंड टू मोलेस्ट हर लेटर ऑन, जो उसके जादू के प्रभाव में आ गया था और बाद में उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर यूथ एंड ब्यूटी। द करैक्टर ऑफ सोहिनी, जो सोहिनी का करैक्टर है, वॉज हाईली इम्प्रेसिव, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है यानी प्रभावशाली है। बिकॉज ऑफ हर ब्लॉशमिंग यूथ, उसकी बढ़ती हुई जवानी के कारण, एंड वंडरफुल ब्यूटी, और अद्भुत सुंदरता के कारण, सी हैड रीच्ड दैट स्टेज, सोहिनी उस स्टेज में यानी उस अवस्था में पहुंची, वेयर सी वॉज एट द क्लाइमैक्स ऑफ हर डेवलपिंग फॉर्म फिजिकल अट्रैक्शन एंड ब्यूटी, जहां पर अपने डेवलपिंग फॉर्म यानी विकासशील रूप, फिजिकल अट्रैक्शन यानी शारीरिक आकर्षण एंड ब्यूटी पर आधारित है। सोहिनी वॉज सो यंग, सोहिनी इतनी नौजवान थी, दैट सी कुड नॉट अट्रैक्ट एनी पर्सन टू हर साइड, कि वह किसी व्यक्ति को भी अपने साइड यानी अट्रैक्ट कर सकती थी, आकर्षित कर सकती थी। पंडित कालीनाथ सॉ हर एट द वेल,
पंडित कालीनाथ ने सोहिनी को वेल में देखा, यानी कुएं में देखा था, एंड फेल इन लव फ्रॉम हिज साइड, और उसके प्यार में पड़ गया था। ओनली बिकॉज ही कुड नॉट कंट्रोल हिज इमोशनल राइज ऑफ फीलिंग आफ्टर सीइंग ब्यूटी, यानी वह भावनाओं के अपने भावनात्मक उदय को नियंत्रित नहीं कर सका, कंट्रोल नहीं कर सका आफ्टर सीइंग हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता को देखने के बाद। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर जेंटलनेस। हर जेंटलनेस इज टू ऑबियस। सोहिनी की जो जेंटलनेस है, यानी सोहिनी की जो सज्जनता है, इज टू ऑबियस, वो एकदम स्पष्ट है। आफ्टर मेकिंग द स्टडी ऑफ अनटचेबल, अनटचेबल स्टोरी की स्टडी करने के बाद, इन अ थॉटफुल वे, यानी विचारशील रूप में, सी वॉज सो जेंटल, वह इतनी सज्जन है, दैट कि सी वॉज नेवर प्रिपेयर्ड टू ओबे, सॉरी सी वॉज ईवर प्रिपेयर्ड टू ओबे हर फादर, कि वो अपने पिता की आज्ञा मानने के लिए तैयार रहती है। टू गो एनी वेयर, कहीं पर भी जाने के लिए, फॉर द वर्क ऑफ स्वीपिंग, अपने स्वीपिंग के काम के लिए, सी नेवर डिसओवेड हर फादर, सोहिनी अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करती है, यानी पिता की आज्ञा को डिसओवेड नहीं करती है। और एल्डर ब्रदर भाका, और अपने बड़े भाई भाका की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करती है। भाका लव्ड हिज सिस्टर, भाका अपनी बहन से प्यार करता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट, यानी अपनी दिल की गहराइयों से। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर इनोसेंस। द स्टडी ऑफ दिस नॉवल, इस नॉवल की स्टडी करने के बाद, क्लियरली सोच, साफ साफ पता चलता है कि द नेचुरल वर्चूज ऑफ इनोसेंस, जो उसके इनोसेंस की नेचुरल वर्चूज हैं, यानी जो उसके इनोसेंस के स्वाभाविक गुण हैं, इन द करेक्टर ऑफ सोहिनी, सोहिनी के करेक्टर में, रियली वास्तव में, सी वॉज एज गुड एज गोल्ड, सोहिनी इतनी गुड है जितना कि गोल्ड होता है। इट वॉज ओनली हर इनोसेंस, ये उसकी इनोसेंस है, यानी निर्दोषता है, दैट सी वॉज एंट्रैप्ड बाई पंडित कालीनाथ, कि वह पंडित कालीनाथ के एंट्रैप्ड जाल में फंस जाती है। टू कॉल हर टू हिज हाउस, और पंडित कालीनाथ उसे अपने घर बुलाता है, विद एन ईविल इंटेंशन, अपने बुरे इरादे के साथ, ऑफ मोलेस्टिंग हर, उसके साथ छेड़छाड़ करने के लिए। देन सी कुड रिलेट हर पेनफुल स्टोरी टू हर ब्रदर भाका, तब बाद में सोहिनी अपने भाई भाका को पेनफुल स्टोरी, यानी यह दर्द से भरी हुई कहानी सुनाती है, ओनली विद अ हैवी हार्ट, अपने भरे हुए हृदय से। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, हर इम्पॉर्टेंट रोल। सोहिनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस नॉवल, जो सोहिनी है इस नॉवल में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सो सी मे बी ईजली कॉल्ड द हीरोइन ऑफ द नॉवल, इसलिए हम उसे साधारण रूप से इस नॉवल की हीरोइन कह सकते हैं। सी ऑक्यूपाइज, वह धारण करती है द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्लेस, एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान को, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड ऑफ द स्टोरी, कहानी में शुरुआत से लेकर अंत तक। इट इज बिकॉज ऑफ हर वर्चूज ऑफ गुडनेस, यह उसके गुडनेस की वर्चू है, इनोसेंस की वर्चू है, और ड्यूटीफुलनेस और कर्तव्य परायणता की वर्चू है, विच अर्न द रीडर्स एप्रिसिएशन। सोहिनी अपने चरित्र के महान गुणों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा और श्रेय की पात्र बन जाती है। हेडिंग नंबर लास्ट, कंक्लूजन। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, सोहिनी डिजर्व्स बेस्ट एप्रिसिएशन एंड क्रेडिट फॉर हर ग्रेट वर्चूज ऑफ करेक्टर, जो सोहिनी है चरित्र के महान गुणों के कारण सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा और क्रेडिट, यानी श्रेय के पात्र हो जाती है। एमोंग ऑल फीमेल करेक्टर्स, सभी फीमेल करेक्टर्स के बीच में, सी पजेसिस, सोहिनी पजेसिस, यानी रखती है द मोस्ट सिग्निफिकेंट
एंड प्रेजवर्दी पोजीशन, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण, और प्रेजवर्दी पोजीशन यानी प्रशंसा के योग्य वाली पोजीशन को रखती है थ्रू आउट द नॉवेल, पूरे नॉवेल के जरिए। मुल्कराज आनंद ऑल्सो डिजर्व्स प्रेज फॉर ड्राइंग सच अ फाइन करेक्टर। मुल्कराज आनंद भी इतने अच्छे किरदार के लिए तारीफ के पात्र हैं। तो दोस्तों, ये था आपका सोहिनी का करेक्टर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।